दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी Android फ़ोन में फिंगर लॉक कैसे लगाएं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन, तो आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉक स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, पासवर्ड और फिंगरप्रिंट, एक है फेस लॉक। तो हमें जो लगाना है फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है, तो यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट लॉक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आपसे मांग रहा है पैटर्न, पिन और पासवर्ड, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं पैटर्न पर। उसके बाद है रिमाइंड और पासवर्ड, तो आपको गॉट इट करना है। जैसे आप गॉट इट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पहले पैटर्न लॉक आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड लगा देना है। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद अब ये आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा, तो यहाँ पे आपको फिंगर अपना लगा देना है सेंसर पे। तो यहाँ पे हम अपना फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम इसको करते हैं डन। तो जैसे हम डन करेंगे तो हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और अब हम करेंगे इसको बैक। जैसे हम बैक पे क्लिक करोगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो यहाँ पे देखो अनेबल ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।